में जो बिंदी का महत्व है वही भाषाओं में हिंदी का महत्व है। केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एकीकृत कर सकती है। मिश्रा जी हैं जो जाने माने पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं और समाज से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उनका काम सिर्फ देना है, सलाह हो, सहयोग हो या और जो भी चीज़ें हैं उनकी तरफ से जो भी हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं एके मिश्रा जी के बारे में और कुछ चर्चा करते हैं हिंदी पर। एके मिश्रा जी, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएँ। देखिए, ये मेरी एक हॉबी है। पढ़ाई लिखाई अगर आप देखेंगे तो बिज़नेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली इलाहाबाद बनारस से गांव है हमारा, वहां से बिलोंग करते हैं। और उत्तर प्रदेश में चूंकि राजनीति कुछ ज़्यादा ही होती है, वहां पे हर आदमी एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट होता है। बाद में दिल्ली में हम सेटल्ड हैं अभी, और जो हमारी हॉबीज़ हैं, जो हमारे कंसल्टिंग के काम है, टीवी डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करना, किसी चीज़ को एनालाइज करना, गहराई तक सोचना और उसको उस पर जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ये चीज़ें जो है मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और यही सारी चीज़ें मैं करता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है, हिंदी को हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सार्वभौमिक सत्य है, जो हर मन में हर दिल में बसी है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। हिंदी का महत्व क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे श्रृंगार होता है, श्रृंगार में 16 श्रृंगार होते हैं, 16 श्रृंगार में जो बिंदी का महत्व है वही भाषाओं में हिंदी का महत्व है। अगर आप बिंदी लगाइए तो वो एकदम सेंटर पॉइंट होता है। ऐसे ही हिंदी अगर आप देखेंगे तो हिंदी भी अपने देश के लिए, भाषाओं के लिए सेंटर पॉइंट है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, हिंदी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हिंदी गलत प्रयोग, हिंदी न जानने के कारण या हिंदी का गलत उच्चारण या प्रयोग कर देने के कारण सरकारें बन नहीं पाई और सरकारें गिर गई हैं। इसके उदाहरण है, मणिशंकर अय्यर जी ने कुछ गलत शब्द प्रयोग किया था, फिर बाद में बोला मुझे हिंदी नहीं आती है। कई ऐसे भी उदाहरण मैं पॉलिटिकल वर्ल्ड में आपको दूंगा। पहले कुछ ऐसे, कांग्रेस के टाइम पे कुछ ऐसे नेता थे जो साउथ इंडिया के थे, उनके सामने प्रधानमंत्री बनने का एकदम ऑप्शन था, उनको ऑफर दिया गया था कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए। कामराज जी एक ऐसे मतलब राजनेता थे उस वक्त कांग्रेस के, जो बहुत फेमस थे, बहुत कद्दावर थे, लेकिन उन्होंने साफ, दो तीन ऐसे नेताओं को मैं जानता हूँ, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चूंकि मुझे हिंदी नहीं आती है तो आई एम नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। कहने का मतलब ये है, उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एकीकृत कर सके। लगभग 80% जो है जनता हिंदी जो है बोलती है। हिंदी इसलिए बोलती है कि हिंदी में एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त है और इसका आकार प्रकार बहुत, अगर आप किसी भाषाविद से पूछिए, इतना जबरदस्त, इतना बढ़ा हुआ है कि अब आप जाइए, जैसे बिहार में देखिए भोजपुरी है, ठीक है, आप बनारस के आसपास आइए या अयोध्या के आसपास अवधी है, हाँ, ऐसे ही थोड़ा बढ़ते जाएंगे, हरियाणा में भी जो बोली जाती है हरियाणवी है, लेकिन वो हिंदी का ही अपभ्रंश तो है, अपभ्रंश ही है या बदला हुआ स्वरूप है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कहीं और नहीं मिलती है, जहाँ की शब्द वगैरह तो लगभग सामान्य रहेंगे लेकिन उच्चारण का थोड़ा सा तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतने आयाम कौन सी भाषा में है। आप ये देखिए कि अगर फ्रेंच है या कोई और है, इतनी विविधता एक भाषा में नहीं पाई जा सकती है जितनी हिंदी में पाई जाती है। इंग्लिश में जो चीज़ है वो है, यहाँ हिंदी के ही आप स्वरूप देखिए, मतलब कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले बानी, यहाँ तो कोस कोस पे हिंदी में ही बदलाव हो रहा है, हिंदी का एक अलग फॉर्म पाएंगे आप। जैसे इलाहाबाद से चलेंगे आप, बनारस पहुँचते पहुँचते आप देखेंगे हिंदी है, वो हिंदी ही,
लेकिन थोड़ी सी बदल गई। बनारस क्रॉस करके आप थोड़ा सा बिहार के बॉर्डर पे जाएंगे, वहाँ पे भी बदल गया है। थोड़ा झारखंड जाएंगे, है वो हिंदी से ही ओरिजिन हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बदल गया है। ऐसे ही जब दिल्ली साइड चलेंगे, वेस्टर्न यूपी में चलेंगे, एमपी में जाएंगे, हिंदी है, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, थोड़ा बदल गया। इतनी विविधता और अपने ओरिजिनल महत्व को, अपने ओरिजिनल गुणधर्म को बना के रखे रहना, ऐसी दक्षता और क्षमता किसी और भाषा में नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि भारत विविधताओं का देश है, तो यहाँ पे एक ऐसी सर्वमान्य भाषा होनी ही चाहिए जो सारे विविधताओं का समावेश अपने हृदय में कर ले, अपने में सभी भाषाओं को समाहित कर ले, और समाज और दशा और दिशा के हिसाब से वो बदल भी जाए। देखिए, भाषाओं का जो उद्भव या पराभव होता है, या कोई भी लैंग्वेज कैसे डोमिनेट करती है, हुआ ये कि जब अंग्रेज आए या इंग्लिश वगैरह या कोई और लैंग्वेज आई, तो इतने सारे काम करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे करके इसको हमारे समाज में, हमारे मन मस्तिष्क में डाला। आज हालत ये हो गई है कि लगभग सरकारी ऑफिस वगैरह में अगर कोई काम करना है, एप्लीकेशन करना है, आपको लिखना है कुछ भी, कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन देनी है, तो इंग्लिश एक तरीके से फोर्स तो नहीं है, कंपल्सन तो नहीं है, लेकिन होता चूंकि इंग्लिश में ही है। अब सरकारी काम, नौकरियां वगैरह सब कुछ इंग्लिश में होता है। एम्प्लॉयर जो होते हैं वो प्रीफर करते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, रीड राइट ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपकी दक्षता इंग्लिश में होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जिस दिन अंदर से हम लोग थोड़ा सा जाग जाएंगे ना, देखिए बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी अपनी मदर टंग में ही होगी। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो जितने अच्छे तरीके से